फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कोशिका की, कोशिका संरचना और इसका अध्ययन, है ना। कोशिका क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके किस तरीके से, मतलब किस किस ने इसका अध्ययन किया और इसकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के रूप, संरचना और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहा जाता है। जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और जिस तरीके से उसका अध्ययन किया जाता है उसी को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब देखो, कोशिका है क्या? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक संरचनात्मक, संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर ये बहुत ही छोटी इकाई है हमारे जीवन की, और इसी के बेस पर हमारा पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट है, इसमें एक कोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम लिखा हुआ है, पैरामीशियम है, यीस्ट है और बैक्टीरिया हैं। ये कैसी कोशिकाएं? ये एक जीवी कोशिकाएं हैं, में एकल कोशिका जीवन के सभी आवश्यक कार्य करती है, एकल कोशिका जीवन के सभी आवश्यक कार्य को करती हैं। यानी कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि केवल एक ही, कुछ ऐसे जीव होते हैं सॉरी, उन जीवों में क्या होती है, केवल एक ही कोशिका होती है और वही एक ही कोशिका जो है जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको करती हैं। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? एकल जीवन कोशिका के सभी आवश्यक कार्य को ये एक ही कोशिका करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बहुकोशिकीय जीवन में, जीवों में जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक अलग अलग कार्य करते हैं और श्रम का विभाजन करते हैं। तो जो बहुकोशिकीय होती हैं इनमें बहुत सारी कोशिकाएं, जब बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तो हर एक कोशिका का अपना फंक्शन होता है और अपने अपने लेबर को वो करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि एक थे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्होंने क्या किया था? जीवित सेल को देखा था, जीवित सेल को इन्होंने देखा और वर्णित किया था। मरी हुई सेल को सबसे पहले किसने देखा था? वो देखा था रॉबर्ट हुक ने देखा था। और जीवित सेल किसने देखी थी सबसे पहली बार? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखी थी, और उसी को इन्होंने वर्णित भी किया था, यानी कि डिस्क्राइब भी इन्होंने किया। इसके बाद एक रॉबर्ट ब्राउन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। आपको पता है नाभिक कहाँ होता है? नाभिक होता है सेल के बीच में होता है, और इसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, सेल का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं मिथियस लाइडेन और थियोडोर स्वान, ये थे, ये दोनों कब आए थे? 1938 में आए, और इन्होंने क्या बताया? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव इन्होंने दिया, जिसे बाद में रुडोल्फ बर्को द्वारा संशोधित किया गया। रुडोल्फ बर्को थे, इसको ये भी बोला जाता है, पर मुझे थोड़ा सा ऑक लगता है तो इसलिए मैं इसको बर्को ही बोलती हूँ। तो ये जो है क्या नाम है, ये मिथियस लाइडेन और स्वान जो थे, इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को प्रस्तावित किया, यानी कि इसके बारे में बताया कोशिका क्या है, इसकी संरचना, इसके डिटेल जो बताया था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया। और कब बताया था? 1938 में बताया। इसके बाद रुडोल्फ बर्को आए, और ये कब आए थे? 1855 में आए थे। इन्होंने इसको संशोधित किया, यानी कि जो इनकी खामियाँ थी, स्लाइडन और स्वान ने जो खामियाँ की थी सेल थ्योरी में, उस सेल थ्योरी को ठीक करने का काम किया था रुडोल्फ बर्को ने। और कब किया था? 1955 में किया था। और इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था जिसे कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इनका ये कहने का तात्पर्य क्या था? इनका तात्पर्य ये था कि जो नई सेल्स बनती हैं, वो जो नई सेल्स हैं वो पुरानी सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसका मतलब इसमें ये बताना चाह रहे थे। नेक्स्ट है इसमें सभी जीव कोशिकाओं और कोशिकाओं के उत्पादन से बनी हुई होती हैं, यानी कि वही है जो मैंने अभी बताया, रुडोल्फ बर्को ने क्या कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो न्यू सेल्स बन रही हैं, जो नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, यानी कि जो पुरानी सेल्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई हैं। तो ये है। नेक्स्ट है इसमें कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, ये भी हमने आपको इसमें समझा दिया है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक प्रिमिटिव प्रकार का, यानी कि एक प्राचीन टाइप का, प्राचीन प्रकार का केंद्रक उपस्थित है या नाभिक उपस्थित है, ऐसी कोशिकाओं को ही क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इनको कहा जाता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसे दर्शाया जाता है। ये तेज़ी से गुणा करते हैं, यानी कि जो अपना नंबर है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, और आकार में बहुत भिन्न होते हैं। इनका आकार तो भिन्न ही है, और साथ ही साथ ये अपना मल्टीप्लिकेशन भी बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें बैक्टीरियल कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ये बैसिलस यानी कि रॉड के आकार की होती है। रॉड आप सभी ने देखी होगी, ऐसी लंबाई में रॉड होती है, रॉड के आकार की होती है। विब्रियो
यानी कि अल्प विराम के आकार की होती हैं, ऐसे कॉमा जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, सर्पिल यानी कि इस टाइप की इनका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है इसमें कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के आसपास कोशिका भित्ति होती है, सिवाय माइकोप्लाज्मा में जेनेटिक सामग्री नग्न है। अब ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है इनमें क्या होती हैं, सभी के अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली इन सभी के अंदर होती है, है ना। सभी के अंदर क्या होगी, कोशिका झिल्ली होगी, किसे छोड़कर माइकोप्लाज्मा में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। इसके अतिरिक्त जितनी भी कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक, उन सभी में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और जो इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, जेनेटिक सामग्री कैसी होती है, नगण्य होती है, नग्न का मतलब क्या होता है, इसके चारों तरफ कोई भी एनवलप या आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर जेनेटिक सामग्री से मतलब क्या है, जो डीएनए या आरएनए जो भी इन सेल कोशिकाओं के अंदर है वो ऐसे ही स्प्रेडेड रहता है, उसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मिड डीएनए क्या होती है, डीएनए के कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है, जो किसी भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रतिरोध जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको कितनी भी दवाएं लगा लो वो मरेंगे ही नहीं, बड़े ही मतलब बहुत हार्श कंडीशन में भी सस्टेन कर लेंगे, मतलब सर्वाइव कर लेंगे। तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं ऐसा, प्लाज्मिड की वजह से कर पाते हैं, प्लाज्मिड डीएनए इनके अंदर होते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को दिखाते हैं ये, ठीक है। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध जैसी कुछ विशेषताओं उनको दिखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी निकाय आदि अनुपस्थित होते हैं इनमें, यानी कि जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी एसेसरी ऑर्गेनेल्स यानी कि जो सहायक अंग होते हैं कोशिका के, वो सभी इनमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। सहायक अंग कैसे होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इनके अंदर अनुपस्थित होंगे। और नेक्स्ट में हम बात करेंगे मेसोसोम नामक एक विशिष्ट वेदित कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। और एक और इसमें एक झिल्ली होती है जिसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इसमें मेसोसोम, और ये क्या है, इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रोकैरियोट से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल क्या होती है, एक रासायनिक रूप से जटिल सेल लिफाफा मौजूद होता है। इसके अंदर क्या होगा, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक केमिकल का एक लिफाफा इसमें मौजूद होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें तीन परतें होती हैं, इस रासायनिक रूप में ये लिफाफे पे मौजूद होती है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल एक लिफाफे पे के अंदर मौजूद होगी, और वो भी कैसा होगा, रासायनिक होगा। और इसके अंदर भी क्या होंगी, तीन परतें होंगी, एक तो बाहर वाली परत होगी जिसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स उसको कहा जाता है। दूसरा है इसको मध्य कोशिका भित्ति, और एक होती है आंतरिक कोशिका भित्ति। ग्लाइकोकैलिक्स मध्य और आंतरिक कोशिका भित्ति होती है, किस में होती है, बैक्टीरियल सेल में होती है। बैक्टीरियल सेल में कैसे होगी, ये रासायनिक रूप में इसके चारों तरफ एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, और वो उसके अंदर चारों तरफ क्या होती है, तीन परतें इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट है इसमें कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में ढीली म्यान के रूप में हो सकती है, जैसे कीचड़ की परत कहा जाता है। कुछ अन्य जीवों में ग्लाइकोलेक्सिन मोटी और कठोर हो जाती है। देखो कहीं कहीं क्या होगा कि जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज होती हैं, और लूजली अरेंज होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, ऐसा इनको ये कहा जाएगा। और इसके अलावा ये इनको बोला जाता है, और इसके अलावा कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, और भी जीवाणुओं में ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसकी कोशिकाएं कभी कभी किसी किसी जीवाणु में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज होकर एक मोटी परत बना देती हैं जिसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। और ये उस बैक्टीरिया के चारों तरफ इस तरीके से हार्ड आउटर कवरिंग को बना देगा। नेक्स्ट है इसमें प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य में होती है, जिसमें पुटिका कोशिकाएँ और लेमिली के रूप में मीजोसोम है। तो ये क्या है, ये जो है प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये अर्धपारगम्य में होती है, जो कोशिका के चारों तरफ होगी ये अर्धपारगम्य में होती है, यानी कि जो भी मटीरियल है उसका अंदर और बाहर की तरफ स्थानांतरण ये कर सकती है। और इसमें पुटिका इसके अंदर ही क्या होंगी, अरेंज क्या होती हैं, तो पुटिकाएँ होती हैं यानी कि ऐसी वेसिकल्स होती हैं या नलिकाएँ बन जाती हैं, या फिर इसमें लेमिला बन जाती हैं, और ये आगे जाकर किसे बना देंगी, मीजोसोम को बना देती हैं। मीजोसोम क्या है, एक लेयर है, ठीक है, मीजोसोम की लेयर को बनाने का काम करेंगी।
यह सेल की दीवार बनाने, डीएनए प्रतिकृति और बेटी कोशिकाओं को वितरण करने में मदद करती हैं। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा झिल्ली का इसका काम क्या होगा कि ये जो सेल है ना उसकी कोशिका को बनाने के काम में, कोशिका की दीवार को बनाने में, आप समझ रहे हैं ना, बाहर की जो लेयर है उसको बनाने में, डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए की जीरोक्स कॉपियां बनाने में, और किस में हेल्प करेगी, बेटी कोशिकाओं के वितरण में। यानी कि जब काफ़ी सारी इस कोशिकाएँ बन जाएंगी, एक कोशिका से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसी कोशिकाएँ बन जाएंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटी कोशिकाएँ, यानी कि पुत्री कोशिकाएँ इनको हम कहेंगे। और ये क्या होंगी, वितरित होंगी पूरे के पूरे उस साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इसमें इसका काम होता है, हेल्प ये इसमें करती हैं। नेक्स्ट है इसमें मोटाइल बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला होता है, इसे फ्लैजिला बोलेंगे बच्चों। तो जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल होती है इनमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है जो फिलामेंट होकर बेसल बॉडी से बना होता है, पिली और फिम्बरी अन्य सतह संरचनाएं जो बैक्टीरिया को मेज़बान और अन्य पदार्थों के साथ संलग्न करने में मदद करती हैं। अब देखो एक और इसमें होता है मोटाइल बैक्टीरिया होता है, मोटाइल बैक्टीरिया से आप समझ ही रहे होंगे मोटाइल क्या होता है। मोटाइल का मतलब है कि ये एक से दूसरी जगह जाने में, अब ह्यूमन बींग है उसके पास तो भाई हाथ पैर हैं, वो अपना चल के जा सकता है, पर बैक्टीरिया के पास तो कोई हाथ पैर नहीं है। अब उसके पास क्या होंगे, वो चल के जाने के लिए क्या होंगे, इसके पास फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला क्या होते हैं, कुछ ऐसे बाल जैसी संरचनाएँ होती हैं जो कि बॉडी के चारों तरफ उपस्थित होती हैं, और इसी की वजह से कोई बैक्टीरिया क्या होता है, मोटाइल बनता है। और जो अब देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, जो फिलामेंट होकर बेसल बॉडी से बने होते हैं, फिलामेंट ठीक है ना, फिलामेंट क्या है, जो वही धागे जैसे संरचनाएँ उन्हें होती है या हुक भी हो सकते हैं, या बेसल बॉडी से बने होते हैं। बेसल बॉडी क्या है, कहीं भी ये चिपकने का काम करते हैं, इससे कहीं भी किसी रॉक के ऊपर या किसी किसी पहाड़ के ऊपर ये हैं तो वहाँ पर ये चिपक जाएंगे बेसल बॉडी के थ्रू। और नेक्स्ट इसमें पिली और फिम्बरी अन्य तरह की कोशिकाएँ संरचनाएँ होती हैं जो बैक्टीरिया को, और इसके अलावा कुछ और भी कोशिकाएँ होती हैं, कुछ और भी इसके अंदर क्या होंगी, पिली और फिम्बरी अन्य तरह की संरचनाएँ भी होती हैं, कहाँ होंगी, बैक्टीरिया के ऊपर। और ये इस कहाँ पर होती हैं, कोशिका सतह की बाहर, बाहर मतलब आउटर सरफेस पर होती हैं, ये बैक्टीरिया में आउटर सरफेस पर संलग्न रहती हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे प्रोकैरियोट में राइबोसोम को कोशिका झिल्ली के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें दो उपकोशिकाएं होती हैं, 50S और 30S मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाती हैं। जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट आप समझ ही गए होंगे, जिसमें एक प्राचीन प्रकार का नाभिक उपस्थित है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें क्या होती हैं, राइबोसोम की कोशिका झिल्ली के साथ उनको जोड़ा जाता है ना। इसमें ये मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये इसकी झिल्ली है, इसकी झिल्ली से क्या जुड़े हुए हैं, ये राइबोसोम जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े होते हैं। और ये जो राइबोसोम है ये क्या होते हैं, दो उपकोशिकाओं में, दो उप इकाइयों में होते हैं, यानी कि एक इकाई ये है और दूसरी इकाई ये है, इस तरीके से होती हैं। और एक इकाई को ऐसे यहाँ पर दो इकाई बन जाएंगी, एक और ये नीचे वाली बड़ी, ये 50S होगी और ये वाली होगी 30S, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाती हैं। और राइबोसोम का काम क्या है बच्चों, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण का काम है, ठीक है। राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।